वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से डी एक्सपर्ट लाइव स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे हिस्ट्री लूसेंट्स सामान्य ज्ञान के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक एक करके ये उसी सीरीज़ का सातवां पार्ट है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान सीरीज़ का सातवां पार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पे लूसेंट सामान्य ज्ञान हिस्ट्री टॉपिक को कवर कर रहे हैं और आपको ये मालूम होगा कि पूरे लूसेंट को कवर करना आसान नहीं है, जो कि आप बुक से अगर पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा और वही पॉइंट यहाँ पे आपको समझाऊँगा जो कि ज़रूरी है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। SSC हुआ, रेलवे हुआ और कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं जो इतिहास संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टॉपिक में जो हमने देखा था 1290 से 1320 ईस्वी तक जो वंश का शासन रहा वो रहा खिलजी वंश का। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, खिलजी वंश के बाद अगर हम बात करें, खिलजी के बाद जलालुद्दीन खिलजी जिसने अपने दामाद जो है, उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने इसकी हत्या कर दी थी और वह फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये तो खिलजी वंश था। खिलजी वंश हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक अभी नहीं देखा तो छह वीडियो के जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, तुगलक वंश की बात करें तो 1320 ईस्वी में खुसरो का जो सेनापति था, 5 सितंबर 1320 में खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या जिसका नाम था तुगलक गाजी या गयासुद्दीन गाजी, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा 8 सितंबर 1320 को। अगर इसके बाद हम बात गाजी मलिक की या गयासुद्दीन तुगलक की, तो इसने दिल्ली के समीप जो पहाड़ियों पर तुगलकाबाद की स्थापना कराई थी। तुगलकाबाद की स्थापना किसने कराई थी? गयासुद्दीन तुगलक गाजी ने। इसके बाद हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, वह बंगाल विजय अभियान से जब वह लौट रहा था, तो दोस्तों क्या हुआ, जब वह बंगाल विजय अभियान से लौट रहा था तो जूना खां जो उसका एक साथी था, उसने उसके लिए एक महल बनवाया था जहाँ पे वह उस टाइम रात रुका और उस महल के गिरने के कारण दबकर उसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी 1325 को। तो देखो यहाँ पे पॉइंट आता है, जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर किसकी मौत? गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक की यहाँ पे मौत हो जाती है। तो अब यहाँ का शासक कौन बनेगा? तो पॉइंट आता है कि गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो कि जूना खां था, वह अब दिल्ली की सिंहासन पर बैठ जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, वह मध्यकालीन राजाओं में सबसे शिक्षित सुल्तान हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था जूना खां, उसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिशाचों की संज्ञा दी गई थी। ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने कई सनक भरी योजनाओं को वहाँ पे लागू किया, ठीक है। वो किसी भी इंसान के सुख दुख को बिल्कुल नहीं समझता था, इसलिए उसको वहाँ पे स्वप्नशील, सपने में जीने वाला पागल या खून को पीने वाला रक्त पिशाचू कहा जाता था। ये इसका प्रमुख पॉइंट है, यहाँ पे आप याद रखना कि रक्त पिशाचू, स्वप्नशील, पागल किस शासक को कहा जाता, तो मध्यकालीन शासक में मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां को कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी जगह कि अफ्रीकी मोरक्को का था, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 में जब वह भारत आया, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान जो था वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है। तो अफ्रीका 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया, और जब इब्न बतूता दिल्ली आया तो उसको मोहम्मद जो तुगलक था उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बनाया था, और उसी ने ही इब्न बतूता को उसी ने ही अपने राजदूत को चीन भेजा था। 1322 में इसने अपने राजदूत को चीन भेजा। ठीक है, इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी है वह पुस्तक है तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, और इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और 1342 में इसने इसी को अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की लिखी गई पुस्तक रेहेला काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इस समय विदेशी व्यापारियों, डाक चौकियों और इन सभी के बारे में गुप्तचर जो व्यवस्था है इस शासनकाल की, उसके बारे में इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में साउथ जो दक्षिण की अगर आप बात करें तो दक्षिण में एक अलग साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है, जो 1336 के ईस्वी में हुई, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो हरिहर एवं बुक्का दो वहाँ के शासक थे उन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, वो भी इसी समय की थी। सन दिया हुआ है यहाँ पे 1347 में, 1336, 1347 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 हरिहर बुक्का ने की थी, और अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। चलिए तो मोहम्मद जो फिरोज तुगलक जो था उसने सिंचाई कर भी लगाया। ठीक है, और इसी के शासनकाल में जजिया कर भी दिया जाता था, और फिरोज जो तुगलक था उसके द्वारा 300 नगरों का निर्माण किया गया है ना, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सब फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई थी। अगर आगे बात करें इसी के शासनकाल की, तो दोस्तों जो तुगलक वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। इस टाइम जो है तुगलक वंश का शासन जो है वो बहुत ही कम क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था। अगर आप बात करें तैमूर लंग ने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में, वह तुगलक जो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था दिल्ली का शासक, इसी के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। ठीक है दोस्तों, तो तुगलक वंश के बाद जो दिल्ली पर शासन रहा वह सैयद वंश का 1414 से 1451 तक रहा। सैयद वंश का संस्थापक जो था वो खिज्र का था, खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैत ए आला की उपाधि धारण की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जो खिज्र का था वह तैमूर लंग का ही क्या था, सेनापति था। खिज्र का जो था वो तैमूर लंग का ही सेनापति था। यह क्या करता था कि खिज्र खां को नियमित रूप से अपना जो है कर भेजा करता था, और अशारुख को अपना बेटा जो पुत्र था खिज्र खां खिज्रका का बेटा शाहरुख, जिसको वह हमेशा तैमूर के पास भेजा कर, यहाँ पे खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था।
है ना, तैमूर लंगे के बेटे सारक को वो अपना कर भेजा करता था, क्योंकि ये सब इलाके जो थे वह तैमूर लंग के विजित ही इलाके थे। खिजर खां की बात करें तो इसकी मृत्यु 1421 में हो गई थी। खिजर खां के बाद मुबारक खां जो है वह यहाँ का शासक बना। खिजर खां के बाद मुबारक खां इसका शासक बना। तो दोस्तों जैसे कि ये सैयद वंश में है, सैयद वंश में मुबारक खां की बात करें तो मुबारकाबाद जो शहर है दिल्ली के यमुना नदी के किनारे, उसकी स्थापना भी मुबारक शाह ने की थी। और सैयद वंश का अंतिम जो शासक था वह अलाउद्दीन आलम शाह था। इस सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक जो है दिल्ली पर रहा, 37 वर्षों तक शासन रहा। सैयद वंश की बात करें तो अगला वंश आता है लोदी। लोदी वंश 1451 से 1526 यानी कि लगभग 75 साल तक लोदी वंश का शासन भारत पर रहा। 75 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और लोदी वंश का संस्थापक जो था बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी था। और अगर हम बात करें लोदी जो था, बहलोल लोदी, वह अफगानी था, इसलिए सबसे पहले अगर अफगानी राज्य की स्थापना जो दिल्ली में की थी वह बहलोल लोदी ने ही की थी। इसने बहलोल सिक्के का चलन स्टार्ट किया, बहलोल लोदी द्वारा बहलोल सिक्कों का चलन शुरू किया गया। दोस्तों बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र जो है निजाम खां 1498 सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा दिल्ली की। सिकंदर शाह जिसको बाद में सिकंदर लोदी कहा गया, और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, सिकंदर लोदी और भूमि को नापने के लिए जो एक प्रमाणिक पैमाना जो चलाया था वो गजे सिकंदरी था, और वो भी सिकंदर लोदी ने ही चलाया था। तो भूमि के नापने के लिए जो प्रमाणिक पैमाना चलाया गया था वो गजे सिकंदरी था, और वो जो पैमाना जो चलाया वो सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में प्रचलित आया। तो सिकंदर लोदी जो है बहलोल लोदी का ही पुत्र था, जिसका नाम था निजाम खां। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट आता है कि सिकंदर लोदी ने पहले नंबर तो अपनी राजधानी किसको, यहाँ पे आगरा को अपनी राजधानी, आगरा का आगरा नहर बसा है, आगरा की स्थापना भी की और आगरा को इसने अपनी राजधानी भी बनाया। आगरा की बात करें, एक और जो प्रमुख पॉइंट इसके शासन और इसकी क्रूरताओं में आता है वो था ज्वालामुखी मंदिर। नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर था उसने उसकी माता की मूर्ति को तोड़कर कसाई थे उनके लिए मांस तौलने के लिए यहाँ पे दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछा जाए कि ज्वालामुखी मंदिर का विनाश करके उसके टुकड़ों को कसाईयों के लिए किसने दिया, तो वो था सिकंदर लोदी ने। तो अब यहाँ पे प्रमुख पॉइंट की स्टार्ट होती है। देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हो गई थी। देखिए हम 15वीं सदी में आ गए, और 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम शाह यानी कि इब्राहिम लोदी जो है उसका पुत्र था सिकंदर लोदी का, वह दिल्ली की गद्दी पर या आगरा के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी की बात करें तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है आपके मुग़ल वंश की, क्योंकि सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद जो इब्राहिम शाह इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली के आगरा के सिंहासन पर बैठा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी जो है बाबर से 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रखना 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। इस तरीके से आगरा के सिंहासन पे अधिकार होता है बाबर का। तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर का अधिकार हो जाता है और इब्राहिम लोदी मर जाता है। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल वंश की स्थापना।
तो मुगल वंश का संस्थापक यहाँ पर जो स्थापना हुई वो बाबर के द्वारा की गई। दोस्तों बाबर को जो भारत में आक्रमण का जो निमंत्रण दिया था वह इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने ही दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे आपका लिखन सामान्य ज्ञान का ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है सातवें पार्ट का। तो प्लीज़ आगे के आठवें और पार्ट जो आएंगे इसके सब्सक्रिप्शन इसकी जानकारी के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने सजेशन ज़रूर भेजें कि किस तरीके से आप पढ़ना चाह रहे हैं और क्या पॉइंट यहाँ पर और कवर करने चाहिए, इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।